चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। दिनेश एक जगह है जिसका नाम हमने रख दिया ए, यानी एक पॉइंट है जहाँ से दिनेश ट्रेवल करना शुरू करता है, वहाँ से वो बी पहुँचता है और वहाँ से जाता है सी। तो ये लोकेशन कैसी है, मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पर है, बी यहाँ है और सी यहाँ पर है। तो ये मान लेते हैं ट्रैवलिंग है दिनेश की, ए बी एंड सी। कैसे कैसे ट्रैवल करता है, ए से बी एंड देन बी से सी। ए 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, इसका मतलब हुआ हमें डिस्टेंस गिवन है ए और बी के बीच का, दैट डिस्टेंस जॉइन कर देते हैं तो ये हो गया 7.5 किलोमीटर, राइट। एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, इसका मतलब अब हमें गिवन है कि सी से जो इसका डिस्टेंस है ना वो 12.7 किलोमीटर है। तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें तो ये है 12.7 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू पिक्चर ये डिस्टेंस कम लग रहा है, बट दैट्स फाइन एज ऑफ नाउ। फिर क्या होता है, अब आयुब के बारे में बात की जा रही है। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। अब आयुब कहाँ पर है, यहीं से आयुब का भी ट्रैवलिंग स्टार्ट हुआ। आयुब ने ए से कहाँ ट्रैवल किया, डी के लिए। मान लो डी कोई यहाँ पर पॉइंट है, वो ए से डी ट्रैवल करता है ना, डी ट्रैवल करता है फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, देयर टू प्लेस सी। अब यहाँ से वो फिर सी तक पहुँचता है, सी पॉइंट तक जाता है। दिनेश ने यहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट की, राइट, और आयुब ने ए से डी पर ट्रैवलिंग स्टार्ट की। ये आयुब का नाम मेंशन कर देते हैं जस्ट टू कीप अस यू नो अपडेटेड। डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए। ए और डी का डिस्टेंस कितना है, 9.3 किलोमीटर, ठीक है, ये भी लिख दिया। फिर क्या है, एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी, और सी से डी के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये दिया हुआ है 11.8 किलोमीटर। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, कौन कितना ज़्यादा चला है ये हमें बताना है। तो पहली बात है दिनेश ने कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया, ए से बी, बी से सी। तो दिनेश के बारे में हम चेक करते हैं कि दिनेश ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। मैं सिर्फ यहाँ नेम लिख रही हूँ, पूरी सेंटेंस यहाँ नहीं लिख रही हूँ। दिनेश ने कितना ट्रैवल किया, 7.5 किलोमीटर एंड 12.7 किलोमीटर, दैट इज इट। तो इसका ट्रैवलिंग पाथ है 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर। अब हम आयुब की बात करते हैं, आयुब ने कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया है। आयुब ने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है, दोनों एक ही जगह पर आ गए। आयुब ने 9.3 किलोमीटर एंड 11.8 किलोमीटर ट्रैवल किया है। 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8 किलोमीटर, राइट। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि दोनों में से कौन कितना ज़्यादा ट्रैवल करता है। तो पहले हमें इन दोनों को सम करना पड़ेगा। कैसे सम करना है, इसको सम करने के लिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ से ड्रॉप करती हूँ। अब दिनेश के बारे में बात करते हैं। दिनेश और सिंपल एक वर्ड हमें मेंशन करना है, ट्रैवल। दिनेश ने ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया, 7.5 एंड 12.7। तो ये हो गया 7.5 किलोमीटर। अब ये कैसे लिखा जाएगा, 12.7 डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो ऐसे लिखे जाते हैं और डेसिमल के पहले वाले डिजिट ऐसे लिखे जाते हैं, है ना। हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है, इसका मतलब 7 के नीचे 12 वंस और टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, और जितने डिजिट हमें डेसिमल के बाद प्लेस करने हैं वो हम ऐसे ही प्लेस कर सकते हैं। अब ये सम करके देख लेते हैं कितना होगा, तो ये आ गया 20.2 किलोमीटर। ये किसका ट्रैवल डिस्टेंस है, यह है दिनेश का ट्रैवल डिस्टेंस। और सेम चीज़ हमें आयुब के लिए भी कैलकुलेट करनी है कि आयुब ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आयुब की कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं, आयुब ट्रैवल्ड, और आयुब ने कितना ट्रैवल किया है, ये है दिस प्लस दिस, यानी 9.3 किलोमीटर। अब हमें ये कैसे लिखना है, पहले आप डेसिमल लगा लो
डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? जस्ट वन डिजिट. डेसिमल के पहले 11. आप जब तक इसे सही तरीके से लिखेंगे नहीं तो एडिशन करेक्ट नहीं होगा. तो बहुत ध्यान से हमें एडिशन ध्यान से लिखना है और ध्यान से ही हमें इनको प्लेस करना है, वरना गलत हो जाएगा. 8 + 3 = 11, तो ये हो गया 21.1 किलोमीटर. तो इट वॉज आयुब, है ना? कौन सा नंबर बड़ा है? आयुब ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ज़्यादा है. अब इन्होंने ये भी पूछा है हु ट्रैवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा ट्रैवल किया और कितना ज़्यादा ट्रैवल किया. तो इसका मतलब है डिफरेंस. अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड नंबर पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस. तो ये डायग्राम भी मैं हटा देती हूँ. डिफरेंस कितना हो जाएगा? 21.1 किलोमीटर माइनस. अब ये कैसे प्लेस किया जाएगा? डेसिमल के बाद का एक डिजिट, डेसिमल के पहले 20, ये इस तरह लिखा जाएगा. अब तो हमें आता है सब्ट्रैक्शन. 11 बनाएंगे इसे, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बना 0. तो आंसर आया 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा चला गया. कौन ज़्यादा चला है? आयु. तो आंसर हमें लिखना कैसे, हमें मेंशन करना होगा आयु ट्रैवल 0.9 किलोमीटर्स मोर देन दिनेश. आयु ने ज़्यादा ट्रैवल किया. कितना ज़्यादा ट्रैवल किया? 0.9 किलोमीटर मोर. एंड दिस इज गोना बी आवर आंसर. हमारे आंसर्स हम हमेशा हाईलाइट ज़रूर करेंगे, ठीक है?